तो नमस्कार, राज्य समीक्षा की खास पेशकश चुनावी चर्चा आप देख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुद्रप्रयाग विधानसभा में। रुद्रप्रयाग विधानसभा से सिटिंग विधायक भाजपा के भरत सिंह चौधरी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्य समीक्षा में, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से आप पे विश्वास जताया है, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः मुझे एक बार मौका दिया है, उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि जो भरोसा उन्होंने मुझ पे जताया है उसको मैं कायम रखने का प्रयास करूंगा। सर, इस बार वर्चुअली चीज़ें चल रही है, कोविड का दौर भी है, पिछले 5 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार का अनुभव क्या है? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरे दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तो मेरे लिए ये बहुत ही सुखद एहसास है। न शोर, न शराबा, न हो हुड़दंग, न हो हल्ला, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं 5 साल निरंतर जनता के बीच में रहा हूँ। लोग मुझे एवर रेडी भी कहते हैं, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और जो काम लोग अमूमन हमारे जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव के दौरान करते हैं, जनसंपर्क का, लोगों से मिलने का, वो काम मैं लगातार 5 साल करता आया हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे अनुकूल हैं। सर, सड़क को लेकर के जब हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने कहा कि चौमुखी विकास सड़कों का हुआ है, काफ़ी हद तक बहुत संतुष्ट दिखाई दिए, बहुत सारे लोगों की हमने राय जानने की कोशिश की है। सैनिक स्कूल का एक मामला आ रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से लंबित है और पिछले काफ़ी टाइम से उस पर काम नहीं हुआ है, क्या वजह है? देखिए, जो तत्कालीन मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक थे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उन्होंने आनंद फानन में सैनिक स्कूल की घोषणा तो की, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में 10 करोड़ रुपया, जो सैनिक कल्याण परिषद का 5 करोड़, कृषि मंडी परिषद का 5 करोड़, उसके अलावा कुछ भी वो इस दिशा में नहीं कर पाए। और इस बार मैं तो सिर्फ विधायक था और एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था, लेकिन वो प्रदेश के मंत्री थे। और ये सैनिक स्कूल किसी एक विधानसभा का नहीं है, ये सैनिक स्कूल पूरे राज्य का है, पूरे प्रदेश का है। और एक मंत्री के नाते मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा कई बड़ा दायित्व उनका था कि वो इसको आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी तरफ से कोई पहल इसमें नहीं की गई है। मैं मानता हूँ कि कोविड की वजह से जब फंड्स की इसमें मुझे कमी नज़र आई तो मैंने क्राउड फंडिंग के ज़रिए भी कोशिश की थी कि मैं फ़ंड रेज करूँगा, क्योंकि मैं एक सैनिक पृष्ठभूमि से आया हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे, मैं खुद फौज में बहुत अल्प समय के लिए रहा हूँ, मेरा छोटा भाई फौज में था, तो मैं भावनात्मक रूप से उस सैनिक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए वो एक सपना है जिसको मुझे अपने आने वाले कार्यकाल में पूरा करना है। 264 करोड़ रुपये की DPR मैंने उसकी तैयार करवा ली है, और भारत सरकार की जो नवरत्न कंपनियां हैं, बहुत सारे हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं जिनके CSR से मेरी प्रारंभिक दौर की वार्ता हो चुकी है, और सिद्धांततः उन्होंने स्वीकार किया है कि वो सैनिक स्कूल के निर्माण में अपना योगदान देंगे। उत्तराखंड की विधानसभा में भी मैंने ये प्रस्ताव रखा है कि जो दिगधार बड़मा में सैनिक निर्माणाधीन सैनिक स्कूल है उसको हमारे अमर शहीद CDS विपिन रावत जी के नाम से हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं कबूल करता हूँ इस बात को कि पिछले 5 सालों में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और कोविड भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तत्कालीन जो हमारे मंत्री थे उन्होंने जिस तरह से इसमें बहुत ही, अगर मैं बहुत तफसील में जाऊं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसकी जो फाइलें थी वो सैनिक कल्याण परिषद विभाग के पास, सैनिक कल्याण विभाग के पास थी, जबकि सैनिक स्कूल का सैनिक कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। इसको, इसका जो निर्माण होना है वो माध्यमिक जो शिक्षा विभाग है
उसके माध्यम से होना है। तो 2-2.5 साल तो मुझे फाइल ढूंढने में ही लग गया, मुझे लगता है कि जानबूझ करके उन फाइलों को जो है वो कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और लास्ट में भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है वहाँ के जो संयुक्त सचिव हैं उनसे संपर्क साधने के बाद मैंने जो है जो MOU भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच नवंबर 2015 में हुआ था उसकी कॉपी निकाली और फिर से नए सिरे से फाइलें तैयार की। अभी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि आने वाले 5 सालों में का जो मेरा कार्यकाल होगा उसमें सैनिक स्कूल को निश्चित रूप से मैं अमली जामा पहनाऊँगा। सर, क्योंकि हरक सिंह रावत अभी हाल ही में भाजपा ने निष्कासित किया है, कांग्रेस से जुड़ गए हैं, इससे पूर्व BJP के मंत्री थे, तब आपने चर्चा की क्या इस बारे में और फिर कहाँ दिक्कत आई क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने एक नहीं अनेक बार इस बात की चर्चा की, लेकिन उन्होंने कोई रुचि कभी भी इसमें नहीं ली। उनका ये कहना था कि ये मेरा विभाग नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी उसमें एक सिद्धांत होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का, कहते हैं कि टुगेदर वी स्विम एंड टुगेदर वी सिंक की जो का जो प्रिंसिपल है। तो कोई मंत्री ये कहे कि ये मेरा विभाग नहीं है, मेरे ख्याल से इससे गैर जिम्मेदाराना बात कोई दूसरी नहीं हो सकती है। मंत्रिमंडल एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है, और कोई भी मंत्री किसी भी मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे विषय को ला सकता है जो राज्य के हित से जुड़ा हुआ हो। और ख़ास तौर पे सैनिक स्कूल का जो की शुरुआत थी उन्होंने की थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उनकी आदत में शुमार है किसी एक विधानसभा क्षेत्र में जाना, इस तरह के सगुफे छोड़ना और फिर उन कामों को अधूरा छोड़ करके दूसरे विधानसभा में भाग जाना, ये उनकी फितरत रही है। सर, अभी 5 साल आपने पूरे किए हैं, कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है कि ये मेरी उपलब्धियां रही हैं? हाँ ऑफ कोर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ सड़क की जो आपने बात की, उत्तराखंड की विधानसभा में जो मेरा मेडन स्पीच था उसी में मैंने इस बात को कहा था कि जो PWD का कोर नेटवर्क है उसकी वजह से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो सड़क से वंचित हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ख़ास तौर पे। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के को का लाभ उनको मिले इसके लिए कोर नेटवर्क में अमेंडमेंट का प्रस्ताव मैंने भारत सरकार को भिजवाया, मेरी वो निजी पहल थी, और उस पर 109 सड़कें हमारी स्वीकृत होकर के पूरे उत्तराखंड के लिए आई, जिसमें से 17 सड़कें अकेले मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए आई। तो मैं समझता हूं कि मैं पूरे उत्तराखंड को 109 सड़कों की सौगात दिला सका, ये भी अपने आप में एक उपलब्धि थी। दूसरा, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेज में ई लर्निंग सिस्टम लगाया, और उसकी उपयोगिता को देखते हुए पहले मैं बता दूं उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 3 सालों से लगातार गढ़वाल में हमारा जो रुद्रप्रयाग ज़िला है वो माध्यमिक शिक्षा में लगातार पहले स्थान पे बना हुआ है। और इसकी देखा देखी हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी इसको सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है कि आज ई लर्निंग के माध्यम से पठन पाठन की आवश्यकता, और अब सरकार स्वयं सारे विद्यालयों में इसको लगा रही है। तो एक अभिनव पहल थी, इसके लिए उत्तराखंड के राज्यपाल ने बाकायदा मुझे पुरस्कृत भी किया है। तीसरी उपलब्धि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोविड काल में रुद्रप्रयाग जैसे छोटे ज़िले में 250 बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमने जर्मन हैंगर के माध्यम से, जो LNT का CSR था, अपनी विधायक निधि थी, इवन के केदारनाथ के विधायक जी से भी कंट्रीब्यूशन लेकर के हमने 250 बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया, 200 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के 3 और प्लांट हमने यहाँ पे स्थापित किए हैं, और रुद्रप्रयाग जैसे छोटे ज़िले में आज 1700 लीटर
प्रति मिनट की क्षमता के जो है ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास हैं। न हम सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जो ज़िले हैं आवश्यकता पड़ने पे उनको भी हम आपूर्ति उसकी कर सकते हैं। डायलिसिस मशीनें मैंने जिला अस्पताल में लगाई हैं। पहले लोगों को देहरादून जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CSR फंड से मैंने जो है वो तीनों मशीनें यहाँ पर लगाई हैं और अभी 3 मशीनें और हमारी यहाँ पे डायलिसिस की आ रही हैं। इसके अलावा हमारा जो कार्डियक यूनिट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इसके साथ ही मैंने जो हमारा जिला अस्पताल का परिसर है उसके साथ माधवाश्रम शंकराचार्य जी जो कि ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनका एक ट्रस्ट था, उनका लगभग 20 करोड़ की लागत का एक हॉस्पिटल यहाँ पे था जो लगभग 2-3 साल से बंद पड़ा हुआ था, और उस ट्रस्ट से अनुनय विनय करके उस ट्रस्ट ने वो हॉस्पिटल जो है उत्तराखंड सरकार को गिफ्ट किया है। और आज मेरे पास जिला चिकित्सालय के 2 परिसर हैं, एक मुख्य परिसर जो सरकारी चिकित्सालय का है और दूसरा परिसर जो है वो शंकराचार्य चिकित्सालय का है। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सर अभी फ़िलहाल आपने 5 साल की उपलब्धि बताई है, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले जो 5 साल है अगर आप जीतते हैं यहाँ से तो उसमें आपको कौन कौन से ऐसे कार्य लग रहे हैं कि जो आपको लगता है कि इस वक्त पूरे मैं नहीं कर पाया, अगली बार 5 साल इनको करने के लिए और चाहिए। पहली बात जो मैंने आपको बताई, सैनिक स्कूल एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको मैं चाहूँगा कि आने वाले अपने 5 सालों में मैं पूरा कर सकूँ। दूसरा जो हमारा जखोली में महाविद्यालय है, अभी वहाँ पे सिर्फ कला संकाय की कक्षाएं संचालित होती हैं, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में वहाँ पर जो है विज्ञान संकाय की भी कक्षाएं हम स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारंभ करवा सकें। भरधार की अगर हम बात करते हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर कहना है कि पंपिंग योजनाएं जो वहां पर योजना थी एक लक्सर से है शायद लगी हुई, लोगों का कहना है कि वो योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई है, इसकी क्या वजह है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2006 में रौंठिया जवाड़ी पेयजल योजना के लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था। 2006 से 2017 तक एक भी व्यक्ति को उस योजना पे पानी नहीं पिलाया जा सका और वो आधी अधूरी छूट गई थी। यहाँ तक कि लोगों ने ये मान लिया था कि अब ये योजना नहीं बन सकती है, पूरी वो ठंडे बस्ते में जा चुकी थी। 2017 में जैसे ही मैं विधायक बना, 14 करोड़ रुपए मैंने उसमें स्वीकृत करवाया, उस काम को आगे बढ़ाया। आज 90% काम उस योजना का हो चुका है, जो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है, और इस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम उस पर चल रहा है, और आने वाले 3 महीने के अंदर मैं कहने की स्थिति में होऊंगा कि लगभग 100% काम जो है उस योजना का हो चुका है। उसमें जो भरधार पेयजल योजना का फेज 2 था उसके लिए हमने मंदाकिनी नदी से 20 करोड़ रुपए की योजना जो है वो स्वीकृत हो चुकी है, लिफ्ट स्कीम जल जीवन मिशन सरकार के सौजन्य से, और उसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, तो बहुत जल्दी उस पर भी काम होगा। जो काम 10 वर्षों में 11 वर्षों में नहीं हो पाए, 2-3 साल आप जानते हैं कि 1-1.5 साल कोविड की भेंट चढ़ गया, और मेरा जो कार्यकाल था उसको मैं कहूँगा कि 5 साल के बजाय 3.5 साल का ही वो कार्यकाल रहा, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा काम उसमें हुआ है। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, क्या लगता है भाजपा कितनी सीटें लाएंगी इस पर? निश्चित रूप से 60 पार हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार। तो उत्तराखंड जैसे स्टेट में जहाँ पर कि अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम जो है वो वॉर फुटिंग पे चल रहा है, ऑल वेदर रोड, भारतमाला और तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं, आप जानते हैं कि उत्तराखंड का लगभग हर परिवार जो है वो मार्जिनल फार्मर जिसको हम कहते हैं उस श्रेणी में आता है, तो जो किसान सम्मान निधि है वो हर लगभग हर परिवार को यहाँ पर मिल रही है। अभी 2 महीने पहले
555 परिवारों को जो है उज्ज्वला योजना के अंदर जो मेरे पास एप्लीकेशन आई थी उनको हमने विभिन्न गैस एजेंसियों को भेजा है और वो उनको बंट रही हैं। तो लगभग 70% जो है जो ज़रूरतमंद हैं उसके गैस कनेक्शन के वो हम आच्छादित कर चुके हैं परिवारों को। तो मुझे नहीं लगता है कि 60 से कम हमारी सीटें आने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।